मैं सुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीट पर 20 जून को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने के कारण अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके। उनके प्रस्ताव ने उनका दाखिल किया। भाजपा ने मैदान में योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ मंत्रियों सहित 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नामांकन करने के लिए सभी 9 प्रत्याशियों ने भाजपा कार्यालय से एक साथ विधान भवन में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है कि छोटे से छोटे जो चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। और इसी कड़ी में नामांकन विधान परिषद चुनाव के नामांकन के दौरान भी कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे, दानिश अंसारी भी मौजूद रहे, तमाम नेता नामांकन के दौरान मौजूद। इसी बीच जो एक इनके प्रत्याशी हैं कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अपना नामांकन करने नहीं पहुँचे। हालाँकि जो उनके प्रस्तावक है वो उनकी जगह उनका नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। नरेंद्र कश्यप थोड़े दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते वह नामांकन करने के लिए कार्यालय नहीं पहुंच सके। उनके प्रस्तावक ने उनका नामांकन दाखिल करा। संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या नामांकन की प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है? क्या कुछ ताजा अपडेट है एमएलसी चुनाव के नामांकन को लेकर के? जी प्रिस्ला, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 8 जो सभी विधान परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से आज नामांकन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया। साथ ही साथ नामांकन के दौरान जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताएं कि ऐसे उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे और आने वाले 20 जून को विधान परिषद का मतदान होना। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष ने कल मतदान की प्रक्रिया को संपूर्ण कर लिया था और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वो 9 प्रत्याशी जाकर अपना नामांकन दायर कर चुके हैं और आने वाले 20 जून को मतदान होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस राजनीतिक दल के किस खेमे से कितने बन के आते हैं, मगर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 जो प्रत्याशी है उनके जीतने की संभावना जताई जा रही है। अब आने वाले 20 जून को इस पे चुनाव होना है और चुनाव के बाद अब इस पे देखा जाएगा कि क्यों किस दल से कितने लोग बन के आते हैं। जी नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने के कारण नहीं पहुंचे थे विभांशु, उनके प्रस्तावक ने उनका नामांकन दाखिल किया है। उनकी तबीयत और उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है अभी? जी तिस्ला, आपको बता दें कि नरेंद्र कश्यप जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे वो आज नामांकन के दौरान नहीं पहुंच सके। साथ ही आपको बताया कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, इसकी वजह से उनके प्रस्तावक नामांकन करने पहुंचे और अगर बात की जाए तो वो अपने आप को वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किए हुए हैं और उन्हें नामांकन करना था लेकिन कोरोना की वजह से वो नामांकन नहीं कर सके और उनके प्रस्तावक उनकी जगह जाकर
और अपने जो तमाम जो विधियां होती हैं, जो नामांकन के दौरान तमाम जो एविडेंस जमा करने होते हैं, एफिडेविट जमा करने होते हैं, इन सब जो कार्य जो प्रणाली है इसको उनके प्रस्ताव के द्वारा पूरा किया गया। वहीं आपको बताएं कि विधान परिषद के नामांकन करने आज 11 बजे मुख्यमंत्री के साथ वो सभी 9 उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे, और अब आपको बताएं कि नामांकन के बाद आने वाले 20 तारीख को इस पे नतीजे आएंगे, और आने वाले 20 तारीख को इस पे चुनाव होंगे, और फिर नतीजों के बाद हमको देखने वाली बात ये होगी कि किस दल से, समाजवादी गठबंधन से अगर बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों ने कल नामांकन दायर कर दिया, और वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें से 8 प्रत्याशी स्वयं जाकर नामांकन किए, और बचे थे जो कोरोना संक्रमित थे वो कोरोना की वजह से नामांकन नहीं कर सके, और उनके प्रस्तावक के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। और इस दौरान जो तमाम नेता थे, साथ ही साथ संगठन के जो नेता थे वो भी नामांकन करने पहुंचे, और पूरे जो सभी विधायक थे, जो विधायक थे साथ ही साथ सरकार में मंत्री थे, चाहे बात की जाए दानिश आजाद अंसारी की, चाहे बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि हाउस के अंदर में मेंबर है और उन्हें मंत्रालय मिला है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम का जिम्मा मिला है, तो इनको 6 महीने के भीतर अपर हाउस या लोअर हाउस के अंदर से अपने एक परिषद से उन्हें सदस्य होना था, और सिराथू से वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद के दरवाजे विधानसभा के अंदर में जो मुख्यमंत्री का जिम्मा है, उप मुख्यमंत्री का, वो संभालने के लिए उन्हें एक जगह से सदस्यता लेनी होती थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित थी कि उन्हें किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, मगर उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया, विधान परिषद के दरवाजे उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर और विधानसभा के अंदर में रखा गया है। अब इसको साफ तौर पे अगर तिसला देखे तो जो दोनों पक्षों की तरफ से 13 सीटों पर उतारा गया, उसमें खास तौर पे जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान दिया गया है। जाति समीकरण को ध्यान में देते हुए प्रत्याशियों का नाम घोषणा किया गया, जहां एक तरफ सिराथू से चुनाव हारे आपके केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया था, जो तो वही समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि नगर से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ सका, और आपने देखा कि चुनाव के दौरान उन्हें अपने आप को नेवला बताया था और भाजपा बताया था, जिससे साफ तौर पे उन्हें ट्रोल भी किया गया था, जिससे अब उन्हें विधान परिषद के दरवाजे जाकर और अपने समाज और अपनी बातों को रखेंगे। जी पिछला जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले मंकी पॉक्स एक चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि राजनगर स्थित हर्ष ईएनटी क्लिनिक के डॉक्टर वीपी त्यागी ने एक मंकी पॉक्स मरीज की सूचना स्वास्थ्य विभाग को पहुंचाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके दीक्षित ने जिला एमएमजी हॉस्पिटल से वार्ता करते हुए मरीज का सैंपल नाइए पुणे भेजा था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जांच के लिए हमने उसको NIP भेजा था, और जांच के बाद उसमें मंकी पॉक्स ना तो पहले लक्षण थे, फिर भी संभावित होने की वजह से उसको भेज दिया गया था, रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। इस जनपद में कोई भी मंकी पॉक्स का कोई भी संक्रमित व्यक्ति या तमाम जिस तरह के लोग इस चीज से परेशान हैं मंकी पॉक्स को लेकर, जहां पूरा विश्व एक बार कोरोना की वैश्विक महामारी को झेला है, उसके बाद मंकी पॉक्स ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी थी, जब से गाजियाबाद में डॉक्टर द्वारा यह बातें की गई थी कि एक पेशेंट में उन्हें डाउट है कि उसे मंकी पॉक्स जैसे संक्रमण होने का खतरा हो सकता है, जिसके बाद से टेस्ट के लिए उसका सैंपल पुणे के लैबोरेटरीज में भिजवाया गया था, वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी आधिकारिक जानकारी दी है।
संवाददाता प्रवीण, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ निगेटिव रिपोर्ट में आया है और स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए त्रिशला, ये गाजियाबाद का मामला है, पिछले एक हफ्ते पहले का मामला है, जो कि एक बच्चा था जो बिहार का निवासी था और एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी जांच के लिए जाता है, जबकि उसके शरीर पे जो एक दाग के निशान होते हैं उसको लेकर वो अपना जांच कराने के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को थोड़ा शंका रहती है कि ऐसा ना हो कि मंकी पॉक्स हो उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो जिला चिकित्सालय में फोन करके और उनको सूचना देते हैं इस तरह का मामला सामने आया है, तो उसके सैंपल लेके बच्चे के जो कि पुणे के लैब में भेजाया गया था। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये भी है कि उस बच्चे के अंदर जो सैंपल भेजा गया था तो उसका जो नेगेटिव रिपोर्ट आई सामने, तो उससे काफी राहत भरी खबर है गाजियाबाद के अंदर में। कहीं ना कहीं डर सता रहा था बच्चों को लेकर, अब लोगों को, परिवार वालों को, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मंकी पॉक्स जैसे इसके अंदर लक्षण निकल के सामने आए। लेकिन जब नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं बच्चे और परिवार सहित तो पूरे गाजियाबाद ने एक चैन की सांस ली है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रवीण। खबर चंदौली से है, जहां भ्रष्ट अधिकारी प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला चुकिया तहसील क्षेत्र के बरौची गांव का है, जहां रोजगार सेवक और प्रधान अपने पद पर दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनरेगा जैसी योजना में भी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अधिकारियों उदासीनता के चलते मनरेगा योजना का लाभ गरीबों को न मिलकर रोजगार सेवक और प्रधान को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मास्टर रोल में लेबर की डिमांड 88 है, लेकिन मौके पर से 25 लेबर काम कर रहे हैं। डेली 50 लेबर हैं? नहीं, जैसे कि शुरुआत में जो कि 25-30 के लमसम से एवब में, और अब इसे बढ़ जाते हैं तो अगर मस्टोल मौके पर होना चाहिए, मस्टोल अगर भरा नहीं जा रहा है तो रोजगार सेवक की लापरवाही है। और जहाँ तक बात है डिमांड के सापेक्ष लेबर के आने की, तो कभी कभी लेबर जो व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नहीं आते हैं, जितने लेबर उपस्थित होते हैं, जितना अटेंडेंस होती है, उतने मस्टोल भरा जाता है, उतना ही भुगतान होता है। अगर वहाँ कुछ अनियमितता होती है तो मैं उसको स्वयं जाके देखूंगा। हालांकि मैंने इसके लिए जो त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, वो जाके मौके पर जाँच करके जो है मुझे अवगत कराएगी। ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि इस तरह हो रहा है, इस तरह की कहीं भी अनियमितता अगर आती है तो मैं उसको देखूंगा, और अगर ये लापरवाही कर रहा है तो नहीं कहीं ना कहीं जो मतलब वो संदिग्धता के दायरे में आता है रोजगार सेवा, और उसके खिलाफ। शाहजहांपुर में महिला और उसके प्रेमी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गांव में हुए डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है और इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के डहर गांव का है। जो मेरे भाई हैं, हाँ, और जो भाभी जो दूसरे की औरत है ना गांव के ही, तो ये 10 साल से इनके साथ रहने लगी। हाँ। इसी बात से बोलो रंजिश मानने लगे। लॉकडाउन में जो लोग घर पर यहाँ पर रहने आए, पैसे पानी पत रहते थे, इन आज ने मौका मिली, हमने मना भी किया था तुम बाहर रहो यहाँ मत आओ, आज मौका उन लोगों मिल गया, अकेला इन्हें देख के खेत पर जे गए और उन लोगों ने घेर के ने मारा। किन लोगों ने मारा है? ओमपाल के लड़कों ने, उनके सहयोगियों ने। इस सिलसिले में मृतक के भाई द्वारा FIR पंजीकृत किया गया, जिसमें 6 लोग नामजद हैं और विवेचना की जा रही है। इसमें जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर कई टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं और शीघ्र ही उनकी। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताज मामला थाना हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम दुबरी हसौरा के निकट बने सोलर प्लांट का है, जहां तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज नरेंद्र पाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि सोलर प्लांट में चोरी की नीयत से बदमाशों ने फायरिंग की। सूचना के बाद पुलिस के सामने भी बदमाशों ने फायरिंग की। इस संबंध में सिक्योरिटी इंचार्ज नरेंद्र पाल सिंह ने शिकायत पत्र देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ पे दिन पे दिन कभी कभी जब देखो चोर रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हरवे आते जाते रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आके यहाँ? ये आते हैं, फायरिंग करते हैं सीधी गार्डों के, गार्ड के टार्च वगैरह कोई लगाता है गार्ड हमारा जी, तो गार्ड के टार्च के सीध पे ही सीधे फायर मारते हैं। अच्छा, इसकी जो सूचना है पुलिस को दी है आपने? आप लोगों ने पुलिस को देते हैं, तुरंत पुलिस आती है। अब पुलिस के सामने है, परसों आई थी
तो पुलिस के सामने दो फायर किए उन्होंने पुलिस के खुद मौजूदगी में। यहाँ पर जो है बाहर के लोग हैं पता ना है, कहीं के लोग आते हैं 10-11 बजे के टाइम पर फायरिंग होती है, गार्ड लोगों को सताते हैं, मान लो लेबर वाले हैं उनको सताते हैं, रात ट्रैक्टर में चला रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रैक्टर के पास से भागे तो मैंने गार्ड लोगों को आवाज़ दी, गार्ड लोग आए। लगभग कितने लोग आते होंगे? 2-4 में जे तो जंगल है इसका क्या पता कितने आए, 4 हैं 6 हैं 10 हैं अंदर हैं इसमें नंदेही का। क्या क्या लगता है किस उद्देश्य से आते हैं ये लोग? ये लोग चोरी के उद्देश्य आते हैं, गार्ड लोगों को सताते हैं। सुधानगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने डुमरियागंज के खंड शिक्षा अधिकारी कुंवर विक्रम पांडे की नई करतूत खुलकर सामने आई है। वहीं बड़ी शान से खंड शिक्षा अधिकारी गाड़ी में स्कूटर का नंबर प्लेट लगाकर बड़ी शान से चलते हैं और उन्होंने गाड़ी में बड़े बड़े अक्षरों में BEO भी लिखवा रखा है। वहीं इस मामले को लेकर SP यशवीर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर इस वाहन को पकड़ा गया और जब कुंवर विक्रम पांडे से गाड़ी के कागज मांगे गए तो वो कागज नहीं दिखा पाए। ये एक फोर व्हीलर गाड़ी बोलेरो की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगा के चलाई जा रही है और वो गाड़ी एक खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित जनपद की बताई जा रही थी। उस गाड़ी को जब पुलिस ने जांच में अपने पास अपने कब्जे में लिया और उसका नंबर प्लेट चेक किया तो वो नंबर प्लेट उसमें फर्जी मिला। इंजन नंबर चेसिस नंबर के लिए जब डिटेल ARTO दफ्तर से मांगी गई तो वो भी ARTO दफ्तर से कोई सूचना उसकी नहीं मिल पाई, तो गाड़ी संदिग्ध है। उसके गाड़ी के कागजात अभिलेखों की मांग की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी उन अभिलेखों को भी नहीं दिखा पाए हैं। इसमें अभियोग 420-406 के अंतर्गत मुकदमा। संवाददाता रवि प्रकाश उस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि प्रकाश, किस तरह का एक्शन अब इस तरह की घटना और इस तरह के अधिकारी पर लिया जा रहा है? जी, अगर देखा जाए तो ये बड़ी घटना सामने आई है जिसमें बोलेरो पर स्कूटर का नंबर लगा करके चलना अपने आप में बड़ी बात है और वो भी एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करने वाले अधिकारी की गाड़ी पर जब इस तरह से मिलता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होकर के यहाँ सामने आ रहा है और इसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सारी खोजबीन छानबीन की जा रही है कि आखिर कैसे क्या इसका पूरा मामला क्या है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रवि। भेंदीपुर बालाजी मंदिर की तर्ज पर गोंडा में सिद्ध बालाजी सरकार मंदिर का निर्माण हुआ है। शहर के 6 किलोमीटर दूर एक पूरे अलग गांव में सिद्ध बालाजी सरकार भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में मूर्ति की स्थापना के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। बालाजी भक्त सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष महाराज सहित कई सदस्य मौके पर मौजूद रहे। 1 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आज 1 से 11 कुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। कल हमारे सरकार का भव्य श्रृंगार होगा, वेद पाठ होगा, सरकार के कई अन्य चीज़ों के पाठ जप पूजा ये चलेंगे। 9 तारीख को बालाजी सरकार का सवामणि हवन होगा विशाल। जनपद देवरिया में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और नकली दरोगा पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में SP संकल्प शर्मा ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फर्जी दरोगा का नाम राम नगीना प्रसाद बताया जा रहा है। यह देवरिया जनपद में थाना रुद्रपुर का प्रकरण है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राम नगीना प्रसाद है उसे अनाधिकृत रूप से पुलिस की वर्दी पहने हुए और कुछ अवैध गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया है। संबंध में संबंधित जो धाराएं हैं IPC की उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विवेचना। बदायूं में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। म्याऊ ब्लॉक पर नसबंदी का ऑपरेशन कराने गई महिला का ऑपरेशन गलत हुआ। ऑपरेशन के 3रे दिन मरीज की हालत बिगड़ गई। इसके बाद पति संजय कुमार ने डॉक्टरों को लापरवाह बताते हुए अपनी पत्नी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और यहां प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर AK वर्मा ने ही जानकारी दी कि महिला का ऑपरेशन गलत कर दिया गया है। मामले में अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पीड़ित पति ने कार्रवाई की मांग की है। हमारे
पत्नी का ऑपरेशन कराया था नसबंदी का। कहाँ? म्याऊ। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद में आँख बस्त हो गई। अच्छा, तबीयत खराब भाई, तबीयत खराब होने के बाद में आँख बस्त हो गई, मुझे पता लग गया बाद में। फिर उसके बाद में एक वर्मा जी के पास पहुँचे, माँ से जिला अस्पताल पहुँचे, तो माँ पहुँचे उनके CMO साहब के पास, उन्होंने फटकार दिया मैं। CMO ने? हाँ। क्या बोला? ये बोला कि प्राइवेट क्यों ले गई। उसके बाद हम जिला अस्पताल से मतलब रेफर कर दिया था, वहाँ पहुँचे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने ये किया था वो इमरजेंसी काउंटर पर, हमारे पास तो सरकारी है, सरकारी की तरह इलाज होगा। उसके बाद हम आगरा ले गए, आगरा ऑपरेशन हुआ है, उसमें अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित AMU में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद AMU के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ACM द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है और नूपुर शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही छात्रों ने कानपुर में हुए हिंसा का जिम्मेदार भी नूपुर शर्मा को ठहराया है। दोनों जो एक BJP की लेडी स्पोकर्सन नूपुर शर्मा, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जो विवादित स्टेटमेंट था, हुजूर पाक की बेइज्जती करते हुए स्टेटमेंट दिया, उसके अलावा लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते लोगों ने रोडों पर आकर अपने एहतजाज किया, अपनी बात रखने की बात की, उन्हें अरेस्ट करने की डिमांड की, लेकिन उस बीच में जो अनजान लोगों ने पथराव किया, उसके बाद में जो कानपुर शहर का माहौल बिगड़ा, उसमें देखा गया कि एक जाति के लोग, एक समाज के लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और में से बेगुनाह बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया। हम चाहते हैं बेगुनाह को छोड़ा जाए और गुनहगार को अरेस्ट किया जाए। सबको मालूम है, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से BJP के एक स्पोक पर्सन ने एक नेशनल मीडिया पर आकर साफ साफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो उल्टी सीधी बातें कही हैं, उसके खिलाफ ये हमारा गुस्सा है और हम चाहते हैं कि वो जो नूपुर शर्मा है BJP की स्पोक पर्सन, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। नूपुर शर्मा के अरेस्टिंग के लिए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नूपुर शर्मा को कम से कम फांसी की सजा हो, कम से कम। हमारी गवर्नमेंट राष्ट्रपति से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अपील है और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट के तलबा की अपील है कि अगर 24 घंटे में नूपुर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम धरना भी लगाएंगे। जब अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।